19 अगस्त वर्ष 1887 में सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति का जन्म तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली में हुआ। वे एस सत्यमूर्ति के नाम से लोकप्रिय रहे। एस सत्यमूर्ति भारत के क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। बंग भंग के विरोध में चल रहे आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1987 में एस सत्यमूर्ति के जन्म शती के अवसर पर उनकी स्मृति में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया। 19 अगस्त वर्ष 1907 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। वे आधुनिक काल के हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। हजारी प्रसाद को भक्तिकालीन साहित्य का भी अच्छा ज्ञान था। सूर साहित्य, आलोक पर्व, अशोक के फूल और बाण भट्ट की आत्मकथा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1957 में साहित्य में अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया।